हटाना कैमरा यार, दो घंटों से मिल रही है, हम भी दे रहे हैं, हमें पता है कि हमारी बेइज्जती ना हो जाए। और गाइस देखो मेरी बात सुनो, किसका बज रहा है भाई? कौन बज रहा है? सॉरी मैडम जी। गाइस अगर मेरी आंखें थोड़ी आपको ऐसी लग रही हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेरे सोने का जो टाइम है वो 3 घंटे ऊपर हो चुका है, बट ये इम्पोर्टेंट नहीं। इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे यहाँ पे 3 लोग आए हैं, बहुत ही ज्यादा, ये 3 लोग, इन 3 लोगों की वजह से आज रात को यहाँ बहुत कुछ होने वाला है। तो पहले एक काम करती हूँ, बातें कम, आपको विजुअल्स दिखा देती हूँ। आपका सुनने का टाइम हो गया। मेरा नाम आदित्य गौतम है, मैं 1-2 यूट्यूब चैनल में कुछ देर के लिए आता हूँ। मुझे ये मेरी बहन मेरे पे कृपा कर देती कभी कभी, नहीं तो ये तो मेरे पल्ले कुछ। मैं मुक्ति का पति हूँ। आज क्या होने वाला है आपके? पार्टी पुटी का माहौल बन रहा है। हमने सोचा कि पहले आपसे 1-2 मिनट बात कर लेते, क्योंकि उसके बाद जो हमारे अंदर का शैतान है ना वो बाहर आ जाएगा। यहाँ बन गया था, घर घर जाता है। नहीं, हम पहली बार इनके स्टूडियो में आए और क्या भाई है? नहीं, गजब भाई। इनके स्टूडियो में आके हमने चोरी कर ली हुई है, वो है आइडिया। हाँ। अपने स्टूडियो में हमने यही चीजें डाल ली है। देख लो अच्छे से बना लो, नहीं तो वो वीडियो में जूमिंग करना पड़ता है। गाइस अच्छा यार, ये थे 4 बेशरम लोग जो भूल गए कि मैं भी पीछे कैमरे के खड़ा हूँ। मेरा नाम रमन, ये नीति नीति जी के पति है ये। आज क्या हुआ मेरी बात सुनो, आज क्या हुआ तुमसे रिलेटेड है इसे बता। अच्छा, मेरा एक दोस्त है, मेरे साथ गाड़ी में बैठा, उसने बोला क्या करना है, तो मैंने यार सामान लेने जाना है, ठीक है, तो 2-3 ना यूट्यूबर्स आ रहे हैं घर पे, तो उसने बोला कौन है बताओ, मैंने बोला इनकी वीडियो ट्रेंडिंग में आती है वो, तो उसने ना देखा तो उसको लगा, कह रहा हाँ यार वो फूड की वीडियोस देखता, तो कह रहा हाँ यार देखा तो है कहीं, इसका इंस्टा दिखाई हो, मैंने इंस्टा दिखाया, कह रहा सदार, मैंने कहा हाँ, कह रहा है मुझे लगता था सिर्फ तेरी ही किस्मत अच्छी है, ये तेरे लिए है। मैं लैला के साथ कर रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं कल, कल टेक केयर, बाय बाय, मतलब अगले ब्लॉग। खाना ऑर्डर नहीं करना है अभी? ये ब्लॉग जी, कीनो का तो बता दे। पर्सनल है घर में कोई गेस्ट आता है, आप उससे पूछते हो क्या खाओगे, तो मुझे लगता है चल कोई घर आता है तो मैं कुछ, मुझे कुछ खाने को बेटर मिल जाएगा। क्या कुइना कुना क्या था? एक दूसरे होते हैं जो बोलते हैं कोई जरूरत नहीं है, पानी बहुत है, ये उल्टे और मुश्किल चीज बता रहे हैं। किनुआ सैलेड काम नहीं करता। रात को 5:30 घर पहुंच रहे हैं। किनुआ सैलेड मलाई मार के, मैंने कहा कॉम्बिनेशन समझ नहीं आया, मुझे भी नहीं समझ, मलाई मार के। ओके, तो देखा आपने, बड़े ही अमेजिंग है वो तीनों। हम सबसे पहले उनसे मिले थे एक वीडियो शूट में फुकरा इंसान की, तब से हम उनके साथ कनेक्टेड हैं थ्रू इंस्टाग्राम। इस बार जब वो दिल्ली आए, उन्होंने बोला कि यार कुछ भी करो, हम तो वैसे आपके घर के पास ही रह रहे हैं, तो कुछ भी करके ना कभी भी हम पहुँच जाएंगे। तो हमने बोला ठीक है, कभी भी पहुँच जाओ। तो वो लोग आए, हम रात को 10 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक ओवरनाइट पार्टी चली है, फुल ऑन मस्ती वाली, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। इट इज़ वेरी, मतलब कैसे होता ना कि जब आप किसी से कनेक्ट कर पाते हो टू अ लेवल वेर इन यू हैव सिमिलर गोल्स, तो बंदा उनसे कुछ सीख भी पाता है, कैसे उन्होंने किया, क्या उनकी स्ट्रगल्स हैं, स्ट्रगल सबकी सेम ही होती है कहीं ना कहीं, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बहुत अलग अलग टाइप की हमने कहानियाँ डिस्कस की, तो मतलब इट वॉज एपिक। तो खैर ये तो हो गई फूडी वी की बात, तीनों ही बड़े ऑसम अमेजिंग है। लास्ट मैं पेंट कर रही थी, बहुत कुछ कर रही थी, करना चाहती थी, तो मैं दिखाना चाहती हूँ कि मैंने किया जो है उसकी क्या फिनिश लुक है। ओके, सी यू रेडी? चिंग 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 टाना। भैया ये है शाइन ऑन, ये है कुछ लाइंस एंड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, और ये है बेयर फुट। तो मैं ज़्यादा आपके साथ टाइम पास नहीं करूँगी। शाइन ऑन इज अनदर वे ऑफ सेइंग बी योर सेल्फ, जस्ट लव योर सेल्फ, ठीक है। 3 लाइन्स जो हैं इनको कहते हैं फीफी लाइन्स, ये हमें वहाँ जाके पता चला था, फीफी आइलैंड, वैन वी वर एक्चुअली होपिंग कि मैं और रमन चाहते थे कि हम एक टैटू बनवा लें, सिमिलर टैटू। सो वी वर थिंकिंग कि एक बंदा 3 लाइनें बना लेगा और एक बंदा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड गुदवा लेगा।
बट फिर वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ. सन सी एंड सैंड एंड आई फाइंड माई पीस व्हेन आई एम ऑन द बीच. ये तो पक्की पक्की बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं. और बेयर फुट जब आप नंगे पैर होते हो दैट इज़ द हाइएस्ट लेवल ऑफ फ्रीडम वन कैन अचीव. नहीं किया कभी तो करके देख लेना, समझ में आ जाएगी मेरी बात. तो क्या हुआ कि कल मैं गई अपने बाल हेयर कलर कराने, तो वहाँ मैंने भैया को बोला कि भैया मैंने कुछ टेढ़े मेढ़े काट रखे हैं बाल तो देख लो सही है. तो उसने बोला ओह शिट, आपने तो लेंथ ही पूरी ख़राब कर रखी है. मतलब मैं क्या करती हूँ कि मैं से बीच में से पार्टीशन निकाल के दो चोटियाँ कर लेती हूँ, नीचे से काट देती हूँ. एक जो थी वो ज़्यादा कट गई, फिर उसके बाद दूसरी मुझे लगा एक ज़्यादा कट चुकी है, अब दूसरी अगर मैंने ज़्यादा काटी और वो टेढ़ी मेढ़ी हुई तो फिर और कटेंगे. तो मैंने उसको इंटेंशनली कम काटा. तो पिछले 15-20 दिनों से मैं ऐसे ही घूम रही थी ऊपर नीचे लेके. ये तो हो गई अभी की बात, आपको टाइम बता देती हूँ. आज टाइम हो गया है 12:07. लड़का ऊपर जा चुका है, फुल सेटल हो चुका है. ठीक है, लैला आजकल बहुत ज्यादा बदमाश हो गई है. मतलब इतनी हाईएस्ट लेवल की बदमाशी है ना उसकी, वो नहीं मान रही भाई. मतलब उसका ये सीन हो गया कि खाना दे रहे हो, उसकी फेवरेट चीज़ें दे रहे हो, उसके बाद भी उसको उसने ऊपर ऊपर से अंडा और ब्रेड खा लेनी है और उसके बाद वह ऐसे देखती है मुझे गुंडागर्दी. और उसके बाद अगर आप बाहर आ जाओ ना तो उसको आपके साथ बाहर आना है, फिर उसने अंदर नहीं जाना है. बंदे को लगता है ना यार बाहर गर्मी है, अंदर चले एसी में ले जाओ उसको, ये वो नहीं. वो ऐसे करके बैठी रहेगी, उसको कुछ दो फिर वो अंदर जाएगी. तो उसकी बदमाशी को ख़त्म करने के मेरे पास तरीके हैं, क्योंकि वो देखो गई तो वहाँ पे ही है, तो मुझे पता है कैसे मैं उसको हैंडल करूँगी. फिलहाल उसने 1.5 दिन के बाद आज सुबह थोड़ा प्रॉपरली फूड खा लिया है. तो ये है एक दाल जो कि ऐसे ना, दाल तो है बट वो कस्टर्ड वाली फील दे रही है क्योंकि आज हमने ना रोटी खानी है. और दूसरी हमने बना ली है क्विकली पनीर की सब्जी. ये थोड़ी से राजमा के बीन्स हैं जो हमने बॉयल कर लिया, क्योंकि कुछ सैलड वैलड रात को अगर खाना होगा रमन ने तो मैं फिर ये यूज़ कर लूँगी. मैं उसको डाइट पे डाल चुकी हूँ, मैंने बोल दिया कि बाहर खाना बिल्कुल है बंद जब तक कि कुछ स्पेशल ना हो. तो इसलिए अब तो ये सीन हो गया शुरू. तो भाई यहाँ के सीन्स कुछ ऐसे हैं, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो वहाँ पे वो लड़का है, वो एडिटिंग चल रही है. ये यहीं कहीं लैला होगी, ये आया बेबी, देयर शी इज. और यहाँ ये सारा tamjham.com. फिलहाल मैं ऊपर आ गई हूँ, थोड़ा मैंने अपनी चिया सीड पुडिंग खाई, इसके साथ शेयर की मतलब आधी आधी, और थोड़ी सी एसी में बैठ के मुझे सुकून आया. इसका एडिट देखा, व्लॉग एडिट हो रहा है, बहुत ही अमेजिंग वाला. मेरी फेवरेट जगह है, अब तक की मेरी फेवरेट जगह है, सोच लो कितनी सुंदर होगी. ठीक है, सो दैट इज़ माया बे, बहुत ही प्यारी, बहुत 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 उम्दा. मैं तो उसको 100 stars देती हूँ. अच्छा मेरे व्लॉग में तो आ जाओ एक मिनट के लिए, अभी नहीं. थोड़ा सा मुड़ तो जाओ, अभी नहीं यार. उनको बता तो दो कि तुम ही हो उस, मैं ही हूँ इस चेयर के पीछे. थोड़ा सा साइड पोस्ट तो दो. चलो थैंक यू. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग क्या है भाई, मैं तो जब भी सो के उठती हूँ मेरी गुड मॉर्निंग ही होती है. तो खैर खाना खाने के बाद 2 घंटे सोने के बाद उठ के हमने चाय पी और फिर मैं तैयार हो रही थी, तो रमन को ऐसा लगा कि यार शाम के 7:30 ये रेडी हो रही है. तो उसके मन में पहले ख्याल आया कहीं घूमने जा रहे हैं तो मुझे कुछ खिला रही हो. मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, हम सब्जी लेने जा रहे हैं. तो कह रहा यार इतनी रेडी क्यों हो रही हो. मैंने कहा यार क्या हो गया यार. लड़के ने व्लॉग डाल दिया है तो फीफी का व्लॉग आ गया आज. है तुम्हारे में कोई शक्तियाँ? आर यू यू गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ माई व्लॉग? आर यू? इतनी सताई हुई शक्ल क्यों बनाई है यार? नहीं हम नहीं मार रहे तुम्हें. खिला देंगे तुम्हें कुछ? क्या कागज दे दिया ना अचानक? देखा, पता होता है किस बंदे के सामने क्या बात करनी है तो वो ऑन कैमरा आ जाएगा. मिनट से पहले इंटरेस्टेड हो गया क्या, मुंह से निकल गया. मैंने मैरिनेट करके रखा है तुम्हारा चिकन, चाहोगे तो 10 मिनट में चिकन टिक्का बन जाएगा. चाहत में दिया आपको, लेके चलते हैं अपनी सब्जी वाली दुकान पर. ठीक है, ऐसे ही करते हैं, घर के पास है सब्जी की दुकान, वहीं आ गए हम. हमारे सब्जी वाले भैया, भैया कद्दू है तो भैया लैला का कद्दू काट रहे हैं. हमारी चीज़ें पैक हो रही हैं और देख लेते हैं. भैया पालक फ्रेश. हम शादी के बाद 1.5 साल हैदराबाद थे. ठीक है, वहाँ पे करने को कुछ नहीं था. किसकी याद है? हम सैटरडे को मेरी शादी की बात कर रही हूँ. हो गया अपनी शादी में फंसे हुए. तो हम जाते थे सैटरडे को, उठते थे हम दोपहर को, मतलब ऑब्वियसली फ्राइडे की शिफ्ट करके सैटरडे को सुबह आते थे, दोपहर को उठते थे. फिर मैं सोचता था चल, मैं तो चाय वाय पी के ना ऐसा लगता था कि चलो यार हम ऐसे नाइट सुट्टो में निकल के जाते थे. और जाते थे हम एक मंडी, ओए होए हमारा पेटेंट हो गया था. पहले हम बहुत सारी सब्जी खरीदते थे, मतलब इट इज़ वो जो ग्रीन और फ्रेश सब्जी होती है ना उसको देख के मुझे इतनी खुशी मिलती है ना,
मैं इतनी बड़ी शॉपाहोलिक हूँ कि मेरे को टिंडे प्याज आलू टमाटर खरीद के भी उतनी खुशी मिलती है जितनी कि अपना मतलब बाकी का शॉपिंग वाला सामान। पहले हम सब्जियां खरीदते थे, गाड़ी में डाल देते थे, हमें होता था चलो हफ्ते का पूरा सामग्री इकट्ठी हो गई। उसके बाद ये इसको हमेशा जाना होता था इलेक्ट्रॉनिक वाले बड़े स्टोर, जैसे यहाँ पे क्रोमा है ना वैसे ही वहाँ पे था रिलायंस का कोई। हैदराबाद में टाइम पास करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। और ऐसे एक दिन हम सब्जी खरीदने गए थे, हम टीवी खरीद के ले आए थे याद है, भैया 500 रुपए देकर। हमारे नाइट सीटों के गंदे हालात में उसको लगा नहीं था कि हम टीवी खरीद लेंगे, हमारे औकात से बहुत ऊपर। वो टीवी ना मेरे को लेना था, मैं इसको बता नहीं रहा था क्योंकि मेरे पास था PS3 और वो अभी दिल्ली से आया ही था मेरे पास वापस, तो मेरे को ये था कि ये कैसे देखूं पुराने टीवी पे, तो फिर मैंने इसको झूठ झाड़ बोल के जैसे ही हैज बीन मैनिपुलेटिंग, दिस गाय हैज बीन मैनिपुलेटिंग मी सिंस माय अर्ली डेज एंड आई हैव बीन सम भोला माला। अब समझ में आ रहा है तुम्हें कि इस रिलेशन में कौन है मैनिपुलेटर और कौन है वो क्या कहते हैं, मैं मैनिपुलेटर नहीं हूं, मैं सिर्फ अपनी करता हूं। वही तो बाप, यू वांट टू डू योर ओन थिंग बट फॉर दैट यू हैव टू I find ways to make myself happy. You find ways to make myself unhappy. Myself? That is only difference. Be myself. भाई इससे हमने करवा ली ज्यादा एडिटिंग, ठीक है, तुम्हारे वर्ड्स बड़े जंबल हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अपने बारे में कुछ बोलना चाहते हो बट गलती से तुम मेरे बारे में बोल रहे हो, है ना? तुम अपने ही बात कर रहे हो ना, बट ऐसा लग रहा है सुनने में कि तुम मेरी बात कर रहे हो बुद्धू। कभी कभी आपके मन में रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ आपस में इतने साल हो गए, कभी कभी आपके मन में कुछ कुछ बातें ऐसे आ जाती हैं बड़ी सॉफ्ट तरह से, फिर आपको रियलाइज होता है कि यार ये मेरे साथ बड़ा गलत करती है। सही, जैसे ही मैं तुम्हें बताता हूँ कि आज मैं एडिट कर रहा हूँ थाईलैंड का व्लॉग, तो उसमें ये दिख रहा है मैं अपने आप को कैसे देख रहा हूँ कि मैं पूरा दिन तेरे पीछे कैमरा लेके चल रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कैमरा ही पकड़ा है ज्यादातर, इंजॉय तो तूने किया। That is the feeling that I'm carrying in my heart. मैं तो इतना कुछ कैरी नहीं करती, तू सुबह से व्लॉग बना रहा है, तेरे मन में ये बात आई, तूने नहीं ना बताई। मेरे बस दो तरीके हैं, या तो मैं बोल देती हूँ उसी टाइम, या मैं एक गाली देके आगे मूव ऑन कर जाती हूँ। ये क्या हुआ मेरे साथ, ये हुआ मेरे साथ, मैंने कहा मैंने आगे मूव ऑन खिलाऊंगी तुम्हारा चिकन टिक्का, मैंने मैरिनेट करके रखा 5 मिनट करा हुआ है। गंद डाल देती हूँ ना उसमें, गंदा तेल डाल दूँ, थोड़ी धूल मिट्टी कारपेट उड़ा दूँ, बनाते बनाते हमने घर का 100% घर का शुरू कर दिया है। नो आउटसाइड फूड इज माय मंत्रा। और अब मैंने हमने लास्ट कब खाया था, अभी खाया हमने वैसे 3 दिन पहले, बट अब मैं दोस्त से मिलने गया हूं, साथ खा लिया मैंने रात। यार यही तो बात है यार, मैं डीप स्लीप में चली जाती हूँ और ये एस्केप कर जाता है। जब आपकी बीवी रात को 10 बजे सो जाए तो उसके बाद तो आपके याशी है नहीं, और 11:30 बजे आपका एडिट खत्म हुआ, वैसे झूम रहे हो कि अब क्या करूं, और दोस्त का फोन आ जाए जो घर के पास ही रहता है कि यार चल आधा घंटा कैचअप कर लेते हैं, तो फिर दिल्ली इज ओपन टिल 1 पीपल। क्या 1 पीपल, तुम लोगों ने ढूंढ तो लिया सुबह 4-4 बजे तक की ज्यादा डिटेल नहीं दिया कर। ओके यार, मटकी पराठा अभी यही कर दो, मैं रखता फिर तुम कहते हो कि मैं aggravated assault करती हूँ, मैं क्यों ना करूँ यार? Words देख ये मुझे बहला फुसला के choice of words tells your mindset assault करना चाहती है ये मेरा कि मेरे को बहला फुसला के यहाँ ले आया। वहाँ पे ना वो कावड़ का पूरा हो रहा था, उन्होंने पूरे स्टॉल लगाए थे और उस पूरे एरिया में जितनी भी चिकन की शॉप्स थी वो सारी आज इन्होंने बंद कर दी थी। तो लैला का चिकन लेना था हमने, तो इसने मुझे बोला कि मैं तेरे को दूसरी जगह ले जाता हूँ, और उसके बाद ये आया, तो मैं इससे बातें करती रही, मुझे पता नहीं चला बीच में इसने इम्पोर्टेंट बात कर ली, बात कुछ इम्पोर्टेंट होगी तो मैंने इग्नोर कर दिया और सीधे इसने पंजाबी बाग का लेफ्ट ले लिया। वर्की पराठा और ककोरी कबाब आ रहा है, ठीक है, ऑर्डर हो चुका है। बनाती है तो घर में ये सब? मैं नहीं बनाती, लेयर वाला पराठा होता ना वर्की पराठा, मैं बनाती नहीं हूँ, रोटी खाता है तो घर में भाई अगर इसके फुलके पे घी लगा दो ना तो कहता है। अब मैं इसको फुलके देती थी last but not the least, दो फुलके देती थी इसको, it is about balance in life, peace out maybe तू करेगा peace इसके अगर कॉपी कर लो ना इसको बड़ी दिक्कत होती है। अगर आप कमेंट में peace out baby लिखोगे ना बहुत दिक्कत होगी। क्यों बहुत दिक्कत आ रही है? मुझे क्यों मारती? तू मत कर peace out baby, अभी मैं बात कर रही हूँ तू क्या peace out baby कर रहा है? अभी एंड तेरे से करवाते हैं यार, फर्स्ट बाइट डालेगा ना और यहाँ से पानी टपकेगा, वो होगा हमारे व्लॉग का एंड। वेट फॉर द एंड, एंडिंग मिल गई हमें।
हटाना कैमरा यार, नहीं बैड मैनर्स आई है, मुंह में पानी आ चुका सरदार के मुंह में पानी है। बस हमें ना एक चाहिए थंबनेल के लिए, यहाँ से पानी गिर रहा हो। बंद कर यार अपना वो, तो वो टिक्का था वो तोड़, जो भी डंडी है उसको जो भी कहते हैं। गरम बहुत गरम है ना, तो रुक जाना एक मिनट नीचे देख। गाइस बाहर गरम खाना मिलता है, घर में ठंडा मिलता है। मैंने मैं कोशिश ही कर रही थी कि इसको फ्रेम में रखूं, बट इसकी हरकतें ही ऐसी हैं यार, घर में इसको ठंडा खाना मिलता है। मैंने कब बोला, अभी सुबह है, इसका मतलब ये थोड़ी कि कल थोड़ी देर में रात हो जाएगी, शाम भी होती है कभी ठंडा। ये कॉन्वर्सेशन में अकेले में आगे बढ़ाएंगे, आपसे मिलते हैं कल दोबारा। पीस आउट बेबी, इसको खाने देते हैं।